बोले भाई, जान बख्शी हो तो अर्ज करूं। क्या है यार भट्ट, क्या तुम्हें कोई गाना सुनाई दे रहा है जो चारों तरफ इन जंगलों और पहाड़ों में गूंज रहा है? कौन सा गाना आलीजा, यहाँ तो चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है। क्या बताएं यार भट्ट, हमारा खाना पीना आराम सब इस जानलेवा आवाज ने हराम कर दिया। बोले भाई, अगर ये बात है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हजूर की कदम बोसी के लिए खुद जरूर चली आई। नहीं, ऐसा मत कहो यार भट्ट, हम इस आवाज की तहरीर नहीं कर सकते, हमारी तलाश जारी रहेगी। रुक जाओ बेटी। करीमदान, मुनासिब यही है
कि इसे अपने हाल पे छोड़ दो, उसका बाबा उसका इंतजार कर रहा है। ताजी को जाने दो पहले। क्यों, उसे क्या जल्दी है, हमें भी तो घर पहुंचना है। जाने दो पहले, फिर बताऊंगी। कितनी नासमझ है तू, तुझे मालूम नहीं ये बांझ औरत है। जब बांझ रास्ता काटे तो गजब होता है। ताजी बांझ है बांझ, मगर अभी ताजी बूढ़ी कहां है, अभी भी बच्चा हो सकता है। बूढ़ी औरत क्या माँ नहीं बन सकती? चुप शैतान, अभी तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बरखेज दर्दो जामुरा, ओ दर्दो जामुरा, ओ दर्दो जामुरा। जानते नहीं, औलाद खुदा की देन है, खुदा की देन। अल्लाह बाबा, हम तो आपकी नजर इनायत के तलबगार हैं बाबा। नजर अनायत? हम नजर अनायत करते हैं क्या? अल्लाह, हमारी कोई औलाद नहीं है बाबा, हमें बस हमें एक बेटा चाहिए। क्यों बेटा, क्यों बेटी तेरे लिए जहर है क्या? तेरे घर में चांद निकलेगा।
भाई चांद तेरा नाम रोशन करेगा। जा जा। गरचे बदनाम यत्तजे दे आकलां, गरचे बदनाम यत्तजे दे आकलां, गरचे बदनाम यत्तजे दे आकलां, गरचे बदनाम यत्तजे दे आकलां। इस बच्ची के लिए कोई अच्छा सा नाम तजवीज कीजिए। नाम हम क्या तजवीज करें राथर, ये तो अपना नाम साथ लेकर आई है, ये तो जून है। जून, अब तुम जा सकते हो। अल्लाह, लेकिन ठहर, खुदा हाफिज बाबा। करीमा विवक्षाय बरहाल मां की हस्तम असी कमंदे हवा। करीमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आवाज बख्शी है कुदरत ने तुम्हें। सीखा है कहीं से? कहां से सीखती, घर में माँ गुनगुनाती रहती है ना, और मैंने परिंदों को भी गाते सुना है, मौलवी साहब जिंगर भी गाते रहते हैं, और ये छोटी छोटी नदियां भी तो। खामोश। अरे नादानो, जूनी ने फितरत से सबक सीखा है, इसकी रूह फितरत की रूह के साथ नगमे गाती है और रक्स करती है। खुशबू की तरह मैं लहराती हूँ, रुको मुझको मैं जाती हूँ, खुशबू की तरह मैं लहराती हूँ। वजूदो अदम
आवाज है। अरे मुझसे पूछो इस परी के गुण, कुदरत का करिश्मा है ये, जैसी सूरत वैसी सीरत। पर ये लड़की है कौन? हमारे पड़ोसी अब्दी रात्र की बेटी है, फारसी में हमद पढ़ रही है, ये कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, इस इलाके के मौलवी साहब के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। देख देख सुनी देख, मैं तेरे बगैर कोई काम नहीं कर सकता। अगर तू इसी तरह मुझसे पेश आई ना, फिर मैं तो मर जाऊंगा। अबू खुदाया, ए जूनी देखना मेरा दिल कैसे कांप रहा है। ए देखना, एक बार मेरी तरफ देखना, तेरा क्या जाएगा जूनी। ए दीदी, आपने तो पढ़ने के बगैर ही इतना कमाल हासिल किया है। कमाल क्या हासिल किया है, जो कुछ भी कहा हवा में उड़ गया। अगर किसी ने कुछ जुबानी याद रखा तो बस रखा। मैं आज इसे आपके पास ले आई हूँ, इसने बचपन से आपके गाने सुने हैं। आप कहती है मैं भी शायरी करूंगी। मेरे गाने कहाँ से सुने इसने? मेरे गाने मैं ही कभी कभी इसे बहलाने के लिए आपके गाने गुनगुनाती थी, तब से ये भी शेर कहने लगी। लेकिन अब हम क्या करें? क्यों, इसमें क्या बुरा है? कहने दो अगर इसके मन में कुछ है, तुम्हारी रोकने से ये शेर कहना नहीं छोड़ेगी। ये तो बस अल्लाह की देन है, मैं इसके लिए दुआ करूंगी। आप तो मेरी मुराद पूरी करेंगी, मैं आपके पास आकर शेर कहना सीखूंगी। कितनी नेक सीरत है ये बच्चे, खुदा इसे ललित जैसी शायरा बनाए। अरे भाई, तेरा भी जवाब नहीं है काका। ये लो भाई। फिर ना हम वहां पर जाएंगे। चलो जुनी बेटी, जरा जरा ना बेटी बेटी, तुम्हारी बारे में बात हो रही थी, तुम्हारी उम्र दराज है। सलाम अलैकुम काका। वालेकुम सलाम। काका मैं भी तो सुनूं, मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी? बेटी, लड़कियां जब जवान होती हैं तो उनकी घर गृहस्थी के बारे में ही बात हो सकती है, और क्या। अरे बेटी, मैं ना कहता था एक दिन हम तुम्हारी शादी करेंगे, और मुझे तो लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं। नहीं बाबा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं अभी शादी, नहीं करूंगी मैं अभी शादी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अली काका, लड़कियां तो दूसरे घरों के लिए जन्म लेती हैं, तुम ही कोई अच्छा सा घर ढूंढ लो जूनी के लिए। जुनी, तुम्हारी भी तो बेटी है। लेकिन इसकी राय भी तो पूछ लो। राय? किसकी राय भाई? शादी के मामले में कभी लड़की से राय पूछी जाती है? लड़कियों की अकल होती है क्या? आँख मिली होती ही, सांस बचा फूल खिल।
अजीजा, अरे ओ अजीजा, ओहो उठना, अहमद किस तरह बदमस्त होकर सो रहा है। देख गांव में इस वक्त कोई भी आदमी तेरी तरह घर में नहीं पड़ा हुआ बेकार। अरे उठ, कब तक तेरा बाप खेत पर अकेला काम करता रहेगा बेटा? सुन देना माँ। नहीं मानेगा तू, उठ नहीं तो पानी डाल दूंगी लाकर तेरे मुंह पर। अरे अपू कर खुद आया, उठूंगा माँ। उठ माँ। ये बाबा मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं माँ? तेरी कौन सी बात नहीं मानते तेरे बाबा? माँ मेरी शादी की। हाय माँ वारी, कोई लड़की है तेरी नजर में? अरे एक ही तो लड़की है माँ, ताजी की जून। क्या कहा? जून? अजीजा, जानता है किसका नाम लिया तूने? हाँ जानता हूँ किसका कह रहा हूँ, अब्दी रात्र की बेटी जून का। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो पूरी उम्र मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अरे तू क्या कोई ख्वाब देख रहा है? क्यों माँ, क्या मैं जवान नहीं हूँ? क्या जूनी को मैं यहाँ खाना नहीं खिला सकता? अब तू कर खुद आया। पापा, पापा। अब तू कर खुद आया। बेटी ये सब क्या है, कहाँ खो गई है मेरी बेटी? गुम हो गई है बाबा, दुनिया के अंधेरों में। बेटी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बाबा क्या मैं आप पर इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ जो आप मुझे अपने कंधों से उतार कर कहीं भी फेंक देना चाहते हैं? अरे नहीं मेरी बेटी, नहीं। कहो बाबा, कहो ना कि बेटी तो पराए घर में जाने के लिए ही जन्म लेती है। देखो बेटे, तुम अपने बाप की मुफलिसी और लाचारी को देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कह देना। हाँ बेटा, आज इज्जत से कोई हमारी चौखट पे तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है बेटी। अगर हमने वक्त की कदर ना की तो फिर कल से हमारा इस चौखट से बाहर कदम रखना भी दुश्वार हो जाएगा बेटे, बहुत दुश्वार हो जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए बाबा, मैं आपकी इज्जत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी बाबा। अरे नहीं, तुम्हारी जान सलामत रहे मेरे बेटे, तुम्हारी जान सलामत रहे। देखना मैं आया हूं। अजीजा तेरा दूल्हा, तू मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? जूनी जूनी, तुमको मैंने दुल्हन बना के लाया है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
मेरी बेटी को सलामत रखना। अल्लाह उसे दुनिया के हर गम और हर परेशानी से महफूज रखना, उसे बाहर की दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं है, बड़ी मासूम है वो, सबसे अलग सबसे जुदा, उस पर रहम करना मेरे अल्लाह, उस पर रहम करना। खामोशी से सब जुल्म सहती रहोगी, खुद उफ नहीं करोगी तो क्या हम तुम्हारे बदले चिल्लाएंगे? कुछ खामोशियां शोर से भी ज्यादा असर रखती हैं। मेरे सब्र का दामन मेरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। बस लो वो आ गई चुड़ैल, तुम यहां से चले जाओ वरना मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी होगी। जाओ आने दो इसे, इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। हाँ अरे शैतान ये क्या किया तूने, ये गुनाह है। कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हारी जगह हम होते तो ऐसी सास को हम जहन्नम भेज देते और फिर तुम्हारे उस डरपोक शोहर को मैं। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा ना तू चुप रह। अच्छा तो कल दरख्त पर चढ़कर तुमने नाशपाती तोड़ी। हाँ कल क्या पता था तुम्हारे घर में? वो जो मुर्गी थी ना बस चाकू से मार डाला उसे। किसे मार डाला? हमारा लड़कियों मुझे, मैं अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। तेरी नजर लगने से रोज कुछ कुछ मनुष्य जरूर होती है। देख देख अपनी शैतानी आंखों ने क्या कर दिया। मुझे पता है मुझे तू मेरे घर में मुझे बर्बाद करने के लिए ही आई है। या खुदा मुझे इस मनहूस से नजात दिला। ये तुम्हारा घर नहीं पनगट है, अगर जूनी पर हाथ उठाया तो हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। तोबा 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 या मेरे खुदा, इसने तो पाजी बना डाली। ठीक है तू घर आ मैं तुझे मजा चखाऊंगी। और याद रखना अगर मक्की के खेत से गनहार का मटका भर के नहीं लाए तो तुझे भी खाने का कुछ नहीं मिलेगा। अस
ऐसे मार इसको। जान ले, जान ले, जान ले, मार और मार, जान ले, और मार इसको। अगर अपनी जान की अमान चाहती है तो भाग जा अपने बाप के घर, वरना मार डालूंगी तुझे। तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहती थी, अरे मैं तेरा गला ही घोट दूंगी। मनहूस का ही मनहूस। चल बेटा। अब तो और सितम अब सहा न जाए, मैं के बाप के घर में जाके बजा। कितनी बार बोला मैंने तुम्हें यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा, कितनी बार बोला तुम्हें? याद रख, जिंदा नहीं रखूंगा मैं तुम्हें, जीना हराम कर दिया है तुमने हम सबका। तेरा ये गाना बजाना बंद करके ही दम लूंगा मैं, समझे? समझे तुम? बेटी, पापा, मेरी बच्ची, पापा, मेरी बेटी, ये सब क्या हो गया मेरी बच्ची को? किसने कर दी है ये हालत तुम्हारी? किसकी मजाल है जिसने मेरी शहजादी पे हाथ उठाया है? बोल मेरी बच्ची। किसी ने नहीं बाबा, किसी ने भी नहीं। कल मैं चलते चलते पत्थरों पे गिर गई थी। देखो बाबा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। बाबा, घर पे माँ तो ठीक है ना? मेरी बच्ची, कहाँ से सीखा है तुमने इतना सब? मैंने तुम्हें अंधेरे कुएं में धकेल दिया मेरी बच्ची। मैं कितना बदनसीब हूँ मेरी बच्ची, मैं कितना बदनसीब हूँ। मत रोइए बाबा। अब्दी राठौर, हम सब की यही राय है कि फिलहाल तुम अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाओ, और कुछ मुद्दों तक अगर दोनों घर सुलह पर आमादा ना हुए तो फिर एक ही सूरत बाकी रह जाती है, वो है तलाक।
चलते अगर हमारे मुकद्दर में यही जिल्लत और रुसवाई लिखी है तो यही से यहाँ गांव में हम लोगों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है बेटी। चलते हैं। हाँ हाँ, ले जाओ, ले जाओ अपने इस मनोज बेटी को। अरे जैसा हाँ वैसी बेटी। सुभान अल्लाह, तुम वाकई दिल की जबान से बोलती हो मेरी बच्ची। आज से हम तुम्हें एक अनोखा नाम देंगे, एक ऐसा नाम जो जब तक कायनात रहेगी वो नाम गूंजता रहेगा। नाम? आज से इस मासूम और पाक रूह का नाम होगा हव्वा खातून। हव्वा खातून, हव्वा खातून, हव्वा खातून, हव्वा खातून। मुझे माफ कर देना अब्दुल रहीम साहब, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। फतेह मोहम्मद, मेरे इस घर को आग लगाकर इस पे तेल मत छिड़को। मैंने तो बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी जून की डोली को रवाना किया था यहां से। अरमान तो मेरे भी थे, लेकिन खुदा गवाह मैंने अपने कमबख्त बेटे से आपकी मासूम बेटी को बचाने का फैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। अफो कर खुदा, बाबा रहने दो इन्हें अपनी दुनिया में, आज से इनका और हमारा रिश्ता खत्म। अजीजा, अजीजा खामोश। क्या खामोश रहूं बाबा, अब अजीजा इनको दिखाएगा, दिखाएगा अजीजा इनको कि अपने लिए नई दुल्हन लेकर आएगा। फतेह मोहम्मद, अपने बेटे को लेकर जाओ यहाँ से, वरना ले जाओ उसे यहाँ से, नहीं तो आज ही अपनी टांगों से चलकर नहीं जा पाएगा। क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे कोई हंगामा नहीं चाहिए, कोई हंगामा नहीं चाहिए। चलो बाबा, बदसबाल। हमारी जून तो बहुत जल्द दुल्हन बनेगी, तुम ठीक हो जाओ बस। तभी मेरी करार को करार मिलेगा। नहीं मौजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साया चाहिए मौजी। अगली मेरा साया तो हमेशा तेरे साथ रहेगा।
जीने, जीने, ओ जी, जीने, अब मुझे कुछ हो रहा है जीने, जीने, ओ जी, जीने, ओ जी, नहीं ताजे, 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 ओ जी, ओ जी, ताजे, ताजे क्या हुआ? होना क्या था हुजूर, बेबसी की इंतहा तो खुदकशी होती है। क्या अब्बा खातून ने? नहीं नहीं, खुदा न करे। हुजूर, कालू वाली औरत तो वही थी जिसने खुदकशी करने की कोशिश की। क्या ये वही औरत है जिसे उस्ताद करीमदान ने बचाया था? हाँ हुजूर, ये वही बदनसीब औरत है जो खुद के लिए मौत की तलाश कर रही थी। हम खुद ही आज हब्बा खातून को तलाश करने के लिए निकले। किसका था और कौन गा रही थी? थी एक परी जो आपको देखते ही हवा हो गई। अगर मैं बता दूं परी कौन है तो क्या नाम लेगी? हमारे पास है ही क्या जो आपको इनाम में दे दें। पर जरा बताइए तो कौन है वो परी? बहुत मुश्किल है फैसला करना क्योंकि आप सब परियां हैं, लेकिन परियों की एक मलिका होती है, वो भी यहाँ है। बताएं? हाँ बताओ तो। परियों की मलिका, परियों की मलिका ये है। कहाँ है हमारा इनाम? आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही है हमारी मल्लिका। लेकिन ये इतना खामोश क्यों है? परियों की मल्लिका क्या गूंगी है? नाम क्या है इनका? जाकर इन्हीं से पूछ लीजिए ना। परियों की मल्लिका, आपका नाम क्या है? नहीं नहीं, मैं कोई परी नहीं हूँ। हाफिज, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी।
वालेकुम सलाम। फकीर के दर पर बादशाह के कदम। साहिल बारियाबी की इजाजत चाहता है बाबा। हाँ सुल्तान, हमारे करीब आओ। एक सुल्तान की आंखों में ना उम्मीदी। दिल बहुत घबरा रहा है बाबा, बहुत घबरा रहा है दिल। फिर भी ना उम्मीदों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। बाबा मेरी मुराद पूरी कीजिए, मैं निहायत परेशान हूं, निहायत परेशान। हम तुम्हारी परेशानी की वजह अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमें कैसे यकीन होगा कि तुम्हारे दिल में जो जज्बा है वो सच्चा है, उसमें कोई खोट नहीं है। आप मेरे सीने को चीर कर देखिए, फिर देखिए मेरी रूह किस तरह अजाब में है। सुल्तान, तुम्हारी मुराद एक अमानत है और अमानत तुम्हें लौटा दी जाएगी। जून मेरी बच्ची, हबा खातून बाहर आ जाओ, देखो अपनी आंखों से देखो तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारा इंतजार कर रही है। बुलाया है तो आना होगा, आपने आज बुलाया है तो आना होगा। इंतहार सही और निभाना होगा, आपने आज बुलाया है तो आना होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप सबको इस खास मजलिस में आने की जहमत इसलिए दी गई है ताकि हम आपकी राय और आपका मशवरा हासिल कर सकें। हमें इत्तला मिली है कि मुगलों की फौज हमलों की तैयारियां कर रही है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे बहादुर आवाम और फौजें मुगलों की ताकत को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं।
इस नाजुक मरहले में अगर हमसे कोई गफलत हुई तो ना सिर्फ हमारे इस्लाफ की रूहें हमसे नाराज होंगी बल्कि आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आलमपना आलमपना आलमपना, अकबर की फौजों ने हम पर बहुत बहुत बड़ा हमला किया और वजीर आजम आपके लिए आपको देखने के लिए बेताब है। आलमपना, हम इज्जत माब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पैगाम लेकर आए। पैगाम बावज़ बुलंद कहा जाए। बराम सुल्तान कश्मीर यूसुफ शाह चक, हम आपके मुल्क और कश्मीरी आवाम के शुरू से ही खैरख्वाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि दक्कन से शुमाल तक हमारी अजीम और वसी सल्तनत के साथ साथ मुल्क कश्मीर के लोग भी तरक्की, खुशहाली और अमन के मंजिलों से हमकिनार हों। बदकस्मती से साबिका चंद रजिशों से आपको सल्तनत मुगलिया के बारे में काफ़ी बदगुमानियों का शिकार बनाया गया है। तमाम तर तलखियों को दोनों तरफ से फरामोश करके हमारी ख्वाहिश है कि कश्मीर मुगलिया सल्तनत के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक, अमन और खुश असलूबी से मदगम हो जाए। इससे मुगलिया सल्तनत के अवाम और कश्मीर के लोगों के दरमियान खैर सगाली और अखुवत का दौर दौरा रहेगा। हम इसी गर्ज से अपने सिपा सालार भगवान दास को आपके पास रवाना कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी गुजारिश को एक सुनहरा मौका समझकर हमारी तजवीज कबूल करेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जाने यूसुफ, यहां सल्तनत का सारा इंतजाम आपके ही हाथों में रहेगा। इंशाल्लाह एक दो महीने के अंदर ही वापस लौट आऊंगा। आप इस कदर रोएंगे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको तो इस नाजुक घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए। जाने की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पैगाम हम तक पहुंच चुके हैं वो अकबर की तरफ से मौसूल हुए हैं। आखिर सुल्तानी कश्मीर की तरफ से कोई भी जाती पैगाम हम तक क्यों नहीं पहुंचता? यही वजह तो हमें बेकरार कर रही है मलकाए मुअज्जमा। हमने सुल्ताने कश्मीर आलमपना से प्रार्थना की थी कि किसी भी वफादार खादिम को अपने साथ सफर पर ले जाए, पर न जाने। हालांकि वो हर सफर पर इस खादिम को अपने साथ रखा करते थे, लेकिन खुदा जाने राजा मान सिंह ने जिले इलाही से क्या कह दिया कि वो इतने लंबे सफर पर अकेले ही निकल पड़े। ये खदशात मेरे वसवसे को हवा दे रहे हैं। आखिर मान सिंह ने उन्हें अकेले सफर करने पर क्यों मजबूर किया? क्यों मजबूर किया? मलिका मुअज्जमा, सिपा सालार ने सफेद पोश फौजी जासूस सल्तनत मुगलिया के इरादे भांपने के लिए भेज दिए हैं। वो अनकरीब खबर लेकर आते ही होंगे। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है वजीर आजम। कोई जतन कीजिए, कोई वसीला तलाश कीजिए। सुल्ताने कश्मीर की खैरियत की खबर सुनने के लिए हमारा दिल बेचैन है, बहुत बेचैन है। जी मलिका आलिया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
ملکہ معظمہ کا اقبال بلند رہے۔ ملکہ معظمہ سلطان کشمیر کا یہ سپہ سالار آداب جلاتا ہے۔ سپہ سالار، ہم بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، کیا خبر ہے؟ سپہ سالار، آپ کی خاموشی ہمیں اضطراب میں مبتلا کر رہی ہے۔ خبر ٹھیک نہیں ہے ملکہ معظمہ، یہ خدشہ ہے۔ خبردار، جو کوئی بھی بری خبر زبان سے نکالی تو مجھ میں اور سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ خبر یہ ہے ملکہ معظمہ، ہمارے سلطان علی جاہ کو مغلیہ شہنشاہ جلال الدین اکبر نے قید کر لیا۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اب ہمارے پاس بغیر مقابلے کی اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ صرف سلطان معظم کی سلامتی کا معاملہ ہے بلکہ پورے ملک کی حفاظت کا سوال ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے فرائض تندہی سے انجام دیں گے۔ خدا ہم سب کو کامیابی عطا کرے۔ کس ساتن نے کر دی کشمیر کی اس رسیلی آواز کو، کشمیر کی رسیلی آواز، معلوم ہے معلوم ہے تم لوگوں کو معلوم ہے کون ہے یہ ابا خاتون ہے۔ ابا خاتون رہتی دنیا تک اس کا نام گونجتا رہے گا، ان بادلوں میں گونجتا رہے گا، اس وادی میں گونجتا رہے گا، گونجتا رہے گا، گونجتا رہے گا۔ ابا خاتون، ابا خاتون، ہا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 ہ